आगे नितिन गडकरी जी ने की। अगर पढ़ने नहीं जाते तो भाइयों बहनों, राम राज्य की परिकल्पना कैसे होती है इसके बारे में आने वाली पीढ़ी नहीं जान पाती। राम वनगमन मार्ग पर भी आज उनके विजन के कारण कार्य प्रारंभ हुआ है। यानी विकास कैसे होना चाहिए, जौनपुर को प्रयागराज से जोड़ने का हो, जौनपुर को लखनऊ से जोड़ने का हो, जौनपुर को वाराणसी के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो, ये विकास की सोच वाराणसी हल्दिया से वाराणसी जलमार्ग का संचालन हो सके और यहां पर कृषि उत्पादन के साथ जुड़े हुए किसानों एफपीओ इनके द्वारा अपने प्रोडक्ट को दुनिया के अन्य देशों में भेज करके वहां के माध्यम से उन्हें अच्छा दाम मिल सके, इस कार्यक्रम को, इस विजन को, प्रधानमंत्री जी के इस विजन को भी प्रभावी ढंग से देश का पहला वाटर वे के निर्माण के कार्य को भी माननीय गडकरी जी के नेतृत्व में यहां पर पूरा करते हुए वाराणसी में हल्दिया से वाराणसी के बीच देश का नंबर एक का वाटर वे भी बनकर के तैयार हो गया। आज मैं देखता हूं कोरोना काल फंड में जब जौनपुर के किसान न केवल जौनपुर का किसान न केवल अपनी सब्जी को स्पोर्ट के माध्यम से भेजता है बल्कि जौनपुर की मूर्ति भी दुनिया के देशों में इसके माध्यम से घूम रही है। भैया मेरा विकास के इसीलिए मैंने कहा विकास समुची सोच से नहीं होता है, विकास के लिए विराट सोच चाहिए। जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, परिवार के नाम पर, वंश के नाम पर राजनीति करते थे वे लोग बड़ी सोच नहीं दे सकते थे। जिन लोगों ने भारत को परिवार माना है और पूरे देश के विकास की एक विराट सोच को लेकर के कार्य प्रारंभ किया है, आज उसका परिणाम है कि वे विकास के कार्य युक्त स्तर पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, ये सोच इसलिए भी महत्वपूर्ण हमारे लिए है क्योंकि भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में जो उभरना है, अब भारत नहीं तो दुनिया का पिछलग्गू होगा, अब एक नया भारत है और नए भारत के लिए, नए उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए 2017 में आप सबने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया था। आज हम सब एक बार फिर आपके बीच आए हैं आपसे कहने के लिए, ये हमारे जितने भी माननीय सांसदगण मंच पर बोले, श्री बीपी सरोज, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, श्री गिरीश यादव जी, हमारे माननीय विधायकगण जो मंच पर अपनी भाषण में, अपने उद्बोधन में जिन मुद्दों को रखे होंगे, आप देखना जब माननीय गडकरी जी का भाषण शुरू होगा तो उसके साथ इन सभी समस्याओं का समाधान भी उसके साथ अपने आप होगा। हम समस्या को समस्या नहीं बने रहने देना चाहते, हमने समस्या के समाधान का संकल्प लिया है और इसी बात के संकल्प के साथ हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं। व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने और उद्यमियों को उजाड़ने का कार्य किया, वे लोग विकास नहीं करा सकते थे, नहीं करा सकते थे। भैया बहनों, विकास की उनकी सोच ही नहीं थी, वो कैसे कराते। जब भी कोई नौकरी निकलती थी तो खानदान निकल पड़ता था वो सूली में, पूरा खानदान निकल पड़ता था वो सूली में। आज तो हम लोग लगभग 5 वर्ष में 5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी देने की स्थिति में है और 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी गई। कोई नहीं कह सकता किसी नौकरी पे किसी ने पैसा मांगा हो, कोई सिफारिश भी नहीं कोई कर सकता। ईमानदारी के साथ प्रदेश के नौजवानों को उनका हक
देने का कार्य जो संकल्प था उस संकल्प को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, कोरोना के दौरान आप सबने देखा होगा, इस आप सबने देखा होगा ये कोरोना महामारी पिछले 20-22 महीनों से पूरी दुनिया को पस्त की हुई है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का जो अभूतपूर्व कार्य हुआ और दुनिया के सामने एक नजीर है। और बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, क्या गांव हो, क्या गरीब हो, क्या किसान हो, क्या नौजवान हो, क्या महिलाएं हो, समाज के प्रत्येक तबके के लिए उस प्रकार की योजनाओं को लागू करना, उसे लागू करना, चाहे वह फ्री में टेस्ट हो, फ्री में उपचार और फ्री में वैक्सीन के साथ साथ अब फ्री में अन्न योजना का लाभ भी। डबल डोज की सरकार है तो अन्न का डबल डोज भी मिलेगा। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे?